हेलो एवरीबॉडी, आप सभी हैं अभी एवरीडे स्माइल चैनल पर। मैं सुधा सिंह आप सभी का अपने चैनल पर स्वागत करती हूँ। आप सभी को गणेश चतुर्थी की हार्दिक शुभकामनाएं। गणेश चतुर्थी के उपलक्ष्य में मैं मोदक बनाने जा रही हूँ, तो आइए आप सब भी चलिए हमारे साथ मोदक बनाते हैं। मोदक बनाने के लिए मैंने कढ़ाई में 1 चम्मच शुद्ध घी डाल दिया है। अब इसमें ड्राई फ्रूट्स मैंने इधर रखा है, इसे रोस्ट कर लेते हैं। सबसे पहले इसमें डाल देते हैं काजू, 5-6 पीस बादाम है, इन्हें पहले भून लेते हैं। थोड़ा सा भूनना है इन्हें, जैसे ही कलर चेंज हो जाएगा इसे निकाल लेंगे। भूनने के बाद इसे पीस में काट लेंगे। ये देखिए इसका कलर चेंज हो रहा है। अब इसमें डाल देते हैं किशमिश। किशमिश को बाद में डालते हैं क्योंकि ये तुरंत फ्राई हो जाते हैं। किशमिश को मैंने पहले ही छोटे छोटे टुकड़ों में काट लिया था, अब इसे निकाल लेते हैं। इसी कढ़ाई में अब सूजी डाल देंगे। ये देखिए थोड़ा सा घी रह गया है, इसी में सूजी डाल देते हैं। मेजरिंग कप से मैंने 1 कप सूजी ले लिया है। इसे एकदम सीम फ्लेम पर भुनना है, सिर्फ कच्चापन इसका दूर करना है। हल्का सा इसे 2 से 3 मिनट भून लेते हैं। सूजी भुन चुका है, अब इसमें डाल देते हैं मावा। एक घर के बने हुए मावे हैं, सूजी के साथ इसे भी मिक्स कर लेंगे। ये फ्रीज में रखने के कारण थोड़े हार्ड हो जाते हैं, लेकिन अभी जब कढ़ाई में डाले हैं तो ये मिक्स हो जाएंगे। इसे अच्छी तरह से सूजी के साथ मिक्स कर लेना है। इस तरह से मावा सूजी के साथ अच्छी तरह से मिक्स हो गया है। अब यहाँ डाल देते हैं जिससे मावा लिया था मैंने एक कटोरी, उस कटोरी से 1 कटोरी चीनी, और साथ ही साथ डाल देंगे 1 कप दूध। ये दूध कच्चा नहीं है, मैंने बॉईल करके रख लिया था। अब इसे भी इसमें जल्दी से मिक्स कर देंगे, जल्दी से चलाते हुए ताकि लम्स ना बने। और इसे चलाते हुए गाढ़ा कर लेंगे। ये देखिए सूजी तैयार हो गया है, ये जमा होने लगा है, ये डो की तरह हो गया है। इसमें मैंने नारियल का बुरादा भी डाला था पाउडर, देखिए दिख रहा होगा कहीं कहीं, उसका सूट करना मैं भूल गई थी। अब इसमें डाल रहे हैं कुटी हुई इलायची, और गैस को अब बंद कर देते हैं और इसे ठंडा होने के लिए रख देते हैं। इधर मैंने डो को ठंडा होने दे दिया है, और तब तक आइए इसका फिलिंग तैयार कर लेते हैं। तो मैंने ड्राई फ्रूट्स को 1 कटोरी में डाल लिया है। अब इसमें डाल देते हैं 1 चम्मच सूजी। हाँ सही में डाल दे रही हूँ, सूजी थोड़ा सा डाल देते हैं। और मेरे पास फूड कलर है, ये देखिए वनीला का येलो कलर का, इसे 1 बूंद डालेंगे। अगर आपके पास फूड कलर नहीं है तो आप केसर या हल्दी को गर्म दूध में घोलकर डाल सकते हैं। अब इस मिश्रण को मिला देंगे, इसे अच्छी तरह से मिक्स कर देते हैं। ये देखिए सूजी को मैंने इस तरह से डो की तरह बना के थोड़ा हाथ से मलते हुए, जिस तरह से आटा लगाते हैं उस तरह से लगा लिया, और इधर फिलिंग के लिए मैंने छोटी छोटी गोलियां बना ली है। अब आइए मोदक बनाते हैं।
मोदक बनाने के लिए इतना बड़ा बड़ा बॉल बना लेंगे। ये देखिए इस तरह से, ये देखिए सूजी को मैंने इस तरह से डो के तरह बना के रख दिया था। अब इसे इसका बॉल बना लेते हैं, और जिस तरह से कचौड़ियाँ भरते हैं ना उस तरह से इस तरह से कटोरी नुमा कर लेंगे और बीच में एक बॉल को भर देते हैं, और फिर इसे इस तरह से मोड़ देंगे। ये देखिए हाथ से भी ऐसे निशान बन गया है, लेकिन मैं इसे कांटे वाली चम्मच से देखिए कांटे वाली चम्मच ले ले हैं और इससे इस तरह से इसमें डिजाइन बना देंगे। ये बिना मोल्ड का भी, बिना साचा का आप बना सकते हैं मोदक। ये देखिए इस तरह से मैंने बना दिया है। अब इसे प्लेट में रखते जाएंगे, दूसरी बार भी इसी तरह से बना लेते हैं। इसी तरह से एक गोला लेंगे और थोड़ा गर्म ही रहे, हल्का, ज़्यादा नहीं। ये देखिए फिर इसको इसी तरह से इसमें भर देंगे फिलिंग को, एक बॉल उठाएंगे और इसमें भर देंगे। आप चाहे तो इस तरह से चुन्नट करते हुए भी कर सकते हैं, आपको जैसा ईजी लगे आप कीजिएगा। और अगर ये सूखा सूखा लगे तो हाथ में हल्का सा पानी लगा लीजिएगा या घी। ये देखिए इसको भी अब कांटे से डिजाइन बना देते हैं। ये देखिए इस तरह से एक कांटे से इसे डिजाइन बना देंगे। तो इसी तरह से गणेश जी का प्रिय मोदक तैयार हो जाएगा। इसी तरह से सारे मोदक बनाकर रख लेने हैं। सारे मोदक तैयार हो गए हैं। अब मैं आपको एक कट करके दिखाती हूँ। ये देखिए इस तरह से मोदक को कट करेंगे ना, ये देखिए कितना सुंदर दिख रहा है अंदर का भाग। ये देखिए गणेश जी को तो बहुत ही पसंद आएंगे और हम लोगों को भी बहुत पसंद आएंगे, ये बहुत ही स्वादिष्ट लगेंगे। ये देखिए इस तरह से मैंने सारे मोदक को बनाकर तैयार कर लिए हैं। अगर मेरी रेसिपी पसंद आती है तो लाइक और शेयर करें, और जिन फ्रेंड ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए ना। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ। ओके बाय।